नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका STS प्राइम के इस वीडियो में। इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में पैसा लूज क्यों करते हैं। 95% लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में पैसा लूज करते हैं, तो इसके पीछे क्या रीज़न है, किस वजह से लोग अपना पैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में लूज करते हैं और कैसे अपने पैसे को अपन अच्छे बेहतर तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना किसी लॉस के, इस वीडियो में अपन जानेंगे। उससे पहले अपन जानते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में सबसे एक महत्वपूर्ण पहलू है जो काम करता है। अगर आपको कुछ इन्वेस्ट करना है तो आपको बहुत बड़ा रिटर्न नहीं चाहिए। अगर आप 26% यानी 26% एनुअल ग्रोथ रेट से आपका पैसा ग्रो हो रहा है अगर, तो आपका पैसा 10 साल में 10 गुना और 20 साल में 100 गुना और 30 साल में 1000 गुना तक बढ़ सकता है। यानी कि हर 10 साल में पैसा आपका 10 गुना होता है। अगर आपने 1000 रुपये किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किए और वो 26% के CAGR से अगर ग्रो होते हैं तो 10 साल में आपके पैसे की वैल्यू हो जाएगी 10000 रुपये और अगले 10 साल में आपके पैसे की वैल्यू हो जाएगी 1 लाख रुपये, क्योंकि 10000 का 10 गुना 1 लाख होता है। और अगले 10 साल में यानी कि नेक्स्ट 30 ईयर में आपका पैसा हो जाएगा 10 लाख रुपए, यानी कि आपके 1000 रुपए की 30 साल बाद वैल्यू होगी 10 लाख रुपए। तो यह है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जादू। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो जादू है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बहुत अच्छे से वर्क करता है और आपका पैसा मैक्सिमम तब बढ़ता है आखिरी के दिनों में। यानी कि आपने जो आज इन्वेस्ट किया है वो शुरुआत में बहुत स्लो गति से बढ़ेगा, बहुत स्लो स्पीड से वो ग्रो करेगा, लेकिन आने वाले टाइम में वो बहुत फास्टली ग्रो करेगा जैसे जैसे वो लास्ट टाइम उसका आता रहेगा। तो ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो अपने को क्या इससे अपने को एक लेसन लेना है कि आपका पैसा ऐसे रिस्की इन्वेस्टमेंट में आपको नहीं डालना है जहाँ पे आपको झांसा दिया जाता है कि आपका पैसा दुगुना हो जाएगा, आपका पैसा 3 गुना हो जाएगा, आपका पैसा 1 साल में 10 गुना हो जाएगा। तो ऐसे रिस्की स्टॉक में आपको पैसा नहीं डालना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर मेरा पैसा 26% एनुअली ग्रो होता है तो 10 साल में मेरा पैसा 10 गुना बढ़ जाता है। तो ये एक वर्थलेस है और ये बहुत ही अच्छी रिटर्न है, ये बहुत बेहतरीन रिटर्न है। 26% अगर सालाना आपको रिटर्न मिल रहा है तो ये इससे बढ़िया रिटर्न कोई हो ही नहीं सकता। तो इतने बढ़िया रिटर्न के बावजूद लोग ज़्यादा के चक्कर में अपना पैसा लूज करते हैं। कॉमनली जो इन्वेस्टर होता है जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, इंट्राडे वाले तो मैक्सिमम लॉस करते ही हैं, बट जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करते हैं वो भी बहुत सारी गलतियां करते हैं। वो गलतियां का क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट अपन बात करते हैं, वो एक रिस्की स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। रिस्की इन्वेस्टमेंट में उनको लगता है कि शायद मेरा पैसा 1 साल में 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो जाएगा, तो इस सोच में वो काफ़ी रिस्की स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं और वहाँ उनका जो पैसा लगाया हुआ है वो डूब जाता है या फिर उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो आपको बचना है रिस्की स्टॉक इन्वेस्टमेंट से। दूसरी गलती जो कॉमनली इन्वेस्टर करता है जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करता है और अच्छे रिटर्न की चाहत रखता है, वो बेस्ट स्टॉक बाय करता है बट ओवर वैल्यूड प्राइस पे बाय कर लेता है। यानी कि उसको ये पता नहीं होता है कि मुझे स्टॉक कब बाय करना है, तो वो भले से अच्छी कंपनी को बाय करेगा बट जब वो ओवर वैल्यूड रहेगी उस टाइम वो बाय कर लेगा और उसका बाय पॉइंट या एंट्री पॉइंट इतना ज़्यादा हाई पे होता है कि वो स्टॉक अगर करेक्ट होता है तो उसका मैक्सिमम पैसा लूज हो जाता है और उसको काफ़ी दिनों तक उस पर कोई रिटर्न नहीं मिलता। आने वाले बहुत सारे 3-4 साल बाद वो स्टॉक उसके एक्चुअल प्राइस से काफ़ी ऊपर जाता है। तो ओवर वैल्यूड स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगली गलती जो इन्वेस्टर करते हैं, वो बहुत सारे स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं, इस वजह से भी उनका रिटर्न जनरेट नहीं हो पाता। और बहुत सारे लोग जो इन्वेस्टर होते हैं वो एक कॉमन गलती ये करते हैं कि वो अपना सारा पैसा एक सिंगल स्टॉक में लगा देते हैं और उसके पीछे उतनी रिसर्च वो करते नहीं है, और या तो वो रिस्की स्टॉक होता है या फिर वो ओवर वैल्यूड स्टॉक होता है, तो इस वजह से उनको रिटर्न नहीं मिल पाता। इसके बावजूद अपन डिस्कस करेंगे कि एक बहुत सारे स्टॉक में इन्वेस्ट करने के क्या नुकसान है। ज़्यादा स्टॉक में अगर आप निवेश करते हो, मैक्सिमम आपका इन्वेस्टमेंट 3 या 4, मैक्सिमम 5 स्टॉक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 5 स्टॉक से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप करते हो तो आपके लिए म्यूचुअल फंड सही है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देना ही ज़्यादा बेटर रहेगा 5 स्टॉक से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो। तो एक एग्जांपल से अपन समझते हैं, जो ये कंपनियां हैं टोटल, ये अपने अपने सेक्टर की बेस्ट कंपनियां हैं, सबसे टॉप कंपनियां हैं।
तो ये मैंने 8 कंपनियों की लिस्ट एक तैयार की है, उसका जो ये गए साल का एक साल का रिटर्न यहाँ पे मैंने लगाया है। तो जो भी ये 8 कंपनियां हैं अपने अपने सेक्टर की लीडर कंपनियां हैं और बहुत ही बेहतरीन कंपनियां हैं। तो इनका जो पिछले एक साल का रिटर्न है वो रिलायंस का और इंफोसिस का, आइशर मोटर का, जिल का, सन फार्मा का, SBI का, HDFC का और ITC का, ये सब अपने सेक्टर की लीडर कंपनियां हैं। तो इन्होंने एक साल में जो रिटर्न दिया है टोटल, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो, इन 8 कंपनियों में अपना इक्वल इन्वेस्टमेंट करते हो, बराबर 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 इन्वेस्टमेंट करते हो, सपोज कीजिए 1,00,000 रुपए का आपने इन्वेस्ट किया इन 8 कंपनियों में बराबर बराबर, यानी कि 12,500 के समथिंग एक कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया, तो इन टोटल कंपनियों का जो एवरेज रिटर्न है वो होता है 5%। इनमें से रिलायंस ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया 45% का, और 3 कंपनियां हैं जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया, आइशर मोटर, जिल और सन फार्मा। तो जो कंपनियां नेगेटिव रिटर्न देती है और जो कंपनियां बहुत बढ़िया रिटर्न देती है, तो इन सबका जो एवरेज होता है वो इन 8 कंपनियों का एवरेज रिटर्न बनता है 5%। यानी कि अगर इन 8 कंपनियों में आपने निवेश किया है तो आपका एक साल का रिटर्न होता है 5%, तो आपके 1,00,000 रुपये हो जाते हैं 1,05,000 रुपये। और इसी दौरान अपन देखते हैं निफ्टी 50 जो कि इंडेक्स है, इसका रिटर्न है 9% का। तो आपने जो बेहतरीन कंपनियां चुनी थी अपने अपने सेक्टर की और उनमें इक्वली निवेश किया था, लेकिन वो कंपनियां काफ़ी ज़्यादा थी और आपने 8 कंपनियों में इन्वेस्ट किया, तो उसका जो एवरेज निकला वो काफ़ी कम है इंडेक्स के रिटर्न की तुलना में। निफ्टी का रिटर्न 9% है और आपका रिटर्न मिला है 5%। और इसी दौरान अगर अपन एक मल्टी कैप म्यूचुअल फंड देख लें तो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड ने आपको 12% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि ज़्यादा कंपनियों में आपको निवेश नहीं करना है, क्योंकि मैक्सिमम जो इन्वेस्टर होते हैं उनको ये लगता है कि मैं मार्केट को बेहतर जानता हूँ, मैं जो कंपनी सेलेक्ट करूँगा वो बेहतरीन कंपनी है, वो बहुत अच्छा रिटर्न देगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे पहलू होते हैं, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग ये एक्सरसाइज होती है। अगर आपको किसी कंपनी पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो उसके ऊपर आपकी बहुत अच्छी रिसर्च होनी चाहिए और बहुत कम कंपनियों में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये अपन ने जो डिसएडवांटेज है समझा कि ज़्यादा कंपनियों में निवेश करने का क्या डिसएडवांटेज है। आपका रिटर्न इंडेक्स से भी कम हो जाता है और म्यूचुअल फंड से भी कम हो जाता है। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का फायदा ये है कि आपको कोई एनालिसिस नहीं करना, आपको कोई फाइनेंशियल्स नहीं पढ़ने, कोई कंपनी को ट्रैक नहीं करना आपको, तो ये फायदा होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का। और अगर आप किसी भी कंपनी में लगभग 8 या 10 कंपनियों में निवेश करते हैं, तो वो कितनी ही बढ़िया क्यों ना हो, वो अपने सेक्टर की कितनी बढ़िया कंपनियां क्यों ना हो, उनके फाइनेंशियल कितने ही बढ़िया क्यों ना हो, लेकिन आपका जो रिटर्न आएगा वो इंडेक्स से भी कम आएगा और म्यूचुअल फंड से तो डेफिनेटली आपका रिटर्न कम आएगा। जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न है 1 साल का या 5 साल का, जितना भी आप टाइम होराइजन लेते हो, उससे डेफिनेटली कम आएगा। तो आपको क्या करना है, ज्यादा कंपनियों में आपको निवेश नहीं करना है। अब म्यूचुअल फंड की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड में अगर हमको निवेश करना है, अपन ने समझ लिया है कि ज्यादा कंपनियों में आपको निवेश नहीं करना है और ज्यादा कंपनियों में निवेश करने से बेटर है म्यूचुअल फंड में निवेश करना, तो म्यूचुअल फंड से अपन कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से अपन लगभग 5 ईयर का जो एवरेज रिटर्न है वो 16% का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इक्विटी में अगर निवेश करना है आपको तो 1 साल का होराइजन उतना अच्छा नहीं रहता, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड है वो 1 साल में उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं करता। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड एवरेज रिटर्न 5 साल में 16% का देता है। इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स का एवरेज रिटर्न 10 साल का एवरेज रिटर्न आप किसी भी टाइम का देख सकते हो, वो 13-14% का रिटर्न देता है। तो इंडेक्स से थोड़ा सा ज्यादा रहता है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का 2% का। मिड कैप का उससे थोड़ा ज्यादा अपन मान के चल सकते हैं, 18% का म्यूचुअल फंड का रिटर्न रहेगा 5 साल का। स्मॉल कैप का उससे थोड़ा सा ज्यादा अपन अज्यूम करके चलते हैं, 20% का वो रिटर्न दे देगा 5 साल में। और इन सब का जो एवरेज बनता है वो लगभग 16-17% आपको 17-18% म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते टाइम आपको देखना चाहिए, जो कि इंडेक्स से काफ़ी अच्छा है और आपके जो 10 कंपनियों में आप निवेश करते हो उनसे काफ़ी बेटर ऑप्शन है ये। और उसके बाद आप हमारी सर्विस ले सकते हो, हम एज ए म्यूचुअल फंड एडवाइज़र हैं और हम आपको जो रिटर्न होता है 26% का, अपन ने जो पहले स्लाइड में समझा कि आपको 10 साल में आपका पैसा 10 गुना ग्रो करना है, तो आपको 26% का ईयरली रिटर्न चाहिए। तो उस ईयरली रिटर्न को हम एज ए सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि आपको बहुत कम से कम स्टॉक, यानी कि मैक्सिमम 3 या 4 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं और बेहतरीन बाय पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, एंट्री पॉइंट हम सब एज ए बिल्कुल
प्रोवाइड करते हैं, उससे क्या होता है कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, ज्यादा आपको ट्रैक करना नहीं पड़ता, फिनेंशियल पढ़ने में आपको कोई हैसल्स नहीं लगता, सब हम प्रोवाइड करते हैं। कंपनी को किस टाइम बाई करना है, कब वो सस्ती है, कब अंडर वैल्यूड है, कब उसको सेल करना है, ये सारी हम कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। और म्यूचुअल फंड में आपको कौन सा म्यूचुअल फंड बाई करना है वो एडवाइस हम देते हैं, और डेरिवेटिव का यूज करते हुए हेजिंग कैसे करना है वो भी हम करते हैं। और बेसिकली हमारी सर्विस का सबसे बड़ा एम ये है कि साल का 25% से ऊपर हमको रिटर्न जनरेट करना है, क्योंकि 25% से ज्यादा अगर रिटर्न अपन सालाना जनरेट कर पा रहे हैं तो हमारा पैसा 10 साल में 10 गुना होता है, तो उसके हिसाब से अपन बहुत ही अच्छा रिटर्न या जनरेट कर पा रहे हैं, तो आप हमारी सर्विस यूज कर सकते हो। उससे पहले हम बात करते हैं हमारे बारे में, क्योंकि आप बोलोगे कि हम आपकी सर्विस क्यों लें, तो हमारे बारे में थोड़ा सा बेसिक आपको नॉलेज बता देते हैं। 5 ईयर का मार्केट एक्सपीरियंस है मुझे, NISM सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, और NISM सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड एडवाइजर भी है हम, NISM सर्टिफाइड डेरिवेटिव एडवाइजर भी है हम, MFI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो एज ए हम MFI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, तो आपको बेहतरीन म्यूचुअल फंड की सलाह, कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेना है, कौन सा म्यूचुअल फंड बाय करना है, और म्यूचुअल फंड में भी आपको एक सिंगल म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हर म्यूचुअल फंड में लगभग 50 कंपनियां तो उनके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली रहती है। तो जब 50 कंपनियां एक म्यूचुअल फंड में है तो उसमें फिर क्या डाइवर्सिफिकेशन, बहुत सारे लोग क्या करते हैं म्यूचुअल फंड में भी डाइवर्सिफिकेशन कर देते हैं कि हम एक इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक इसमें कर रहे हैं, एक इसमें कर रहे हैं, उससे क्या होता है आपका रिटर्न काफी कम हो जाता है, क्योंकि ऐसा कोई म्यूचुअल फंड नहीं है जो 25-30 कंपनियों से कम अपने पोर्टफोलियो में रखता है, 25-30 कंपनियों से ज्यादा ही म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में होती है एक म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में। तो आपको जरूरी है कि एक बेस्ट म्यूचुअल फंड आपको मिले, ऐसा नहीं है कि आप 3 म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उससे क्या होता है आपका रिटर्न कम हो जाता है, जब एवरेज आउट करते हो उस टोटल रिटर्न को तो वो काफी कम हो जाता है। और लोग कहते हैं कि हम डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, जैसे कि मार्केट अगर गिरेगा तो हमारा इन्वेस्टमेंट कम नहीं होगा, लेकिन वो उतना सही रीजन नहीं है। तो हमें एक सिंगल म्यूचुअल फंड में ही निवेश करना चाहिए, बेस्ट म्यूचुअल फंड हम एडवाइस करते हैं, हम एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और एडवाइजर हैं, और हम सब ब्रोकर हैं जीरोधा और अपस्टॉक के साथ। अगर आप हमारे साथ अकाउंट ओपनिंग करवाते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हमारी तरफ से मिलते हैं, और हमारे साथ जो ये प्राइम मेंबरशिप है इन्वेस्टमेंट एडवाइजिंग की, आपको कब बाई करना है, कब सेल करना है, आपका रिटर्न 25% से ज़्यादा आपको रिटर्न मिले, तो वो सारी सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। उसकी एक बहुत ही नॉमिनल सा चार्ज है, आपको हाफ ईयरली 1200 रुपये पे करने हैं, और अगर आप ईयरली सर्विस लेना चाहते हैं तो आपको 2400 रुपये पे करने हैं, वन टाइम फीस है ईयरली। इसमें आपको जो भी सर्विस है म्यूचुअल फंड स्टॉक रिलेटेड, सारी मार्केट रिलेटेड, सारी क्वेरी का सोल्यूशन आपके व्हाट्सएप पे मिलेगा, आपको मैसेज के थ्रू उसका सोल्यूशन मिलेगा, जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी कंपनीज का एनालिसिस है वो पूरा आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी प्रॉब्लम है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वो सारी व्हाट्सएप पे आपको सोल्व की जाएगी। तो ये एक हमारी फंडामेंटल बेस एक सर्विस है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, काफ़ी नॉमिनल चार्ज है और आप इसको यूज़ करके देख सकते हो। अगर आपको फ्री में ये सर्विस यूज़ करके देखना है कुछ दिन तो आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करवा सकते हो। अगर आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करवाते हो तो आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन इसका फ्री मिलेगा। अगर आप अपस्टॉक या जीरोधा में हमारे साथ अकाउंट ओपन करवाते हो तो 1 साल आपको ये सर्विस फ्री दी जाएगी। तो इसका यूज़ करके आप देख सकते हो कि इस सर्विस में वैल्यू है या नहीं है, तो आप इसको उसके हिसाब से आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये था पूरा वीडियो हमारी सर्विस के ऊपर। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप बिल्कुल डेफिनेटली ज्वाइन करें, और हमारा सबसे बड़ा एम जो है वो है आपका रिटर्न, ईयरली रिटर्न 25% से ज़्यादा देना, ताकि आपका पैसा 10 साल में 10 गुना अप्रोक्स उतना रिटर्न आपको मिले। एक नॉमिनल रिटर्न है, बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, एवरेज मार्केट रिटर्न उतना आ जाता है। लेकिन अगर आप कुछ गलतियों से, लोग अगर कुछ गलतियों को ना करें तो डेफिनेटली ये रिटर्न ज़्यादा नहीं है। तो ये था पूरा वीडियो इसके ऊपर एनालिसिस। अगर आपको सर्विस हमारी लेनी है तो आप हमारे नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो, 8239249769, इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सअप करके हमें अवेयर कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।